अब देखते हैं तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल के अंदर फायरिंग, 18 स्टूडेंट समेत 21 लोगों की मौत। हमलावर के पास एक हैंडगन और एक राइफल बरामद। फायरिंग के बाद स्कूल में मची भगदड़, सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमले की जानकारी ली। बेंगलुरु में एक मस्जिद की मरम्मत के दौरान हिंदू ढांचा मिलने का दावा। हिंदू संगठन मस्जिद के करीब मंदिर में विशेष पूजा आयोजित कर रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में नई याचिका पर सुनवाई। हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने और मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की मांग। मथुरा जिला जज की अदालत में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि के मामले में सुनवाई। 7 लॉ स्टूडेंट्स और दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के 4 अधिवक्ताओं की याचिका, ईदगाह हटाने की मांग। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगा। यासीन मलिक पर 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने के मकसद से आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। यूएपीए के तहत लगे सभी आरोप किए थे कबूल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया। सैफुल्ला कादरी की हत्या की, बेटी भी जख्मी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल ने ज्वाइन की बीजेपी। सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कब्जा मुक्त कराई गई 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन। 2,00,000 वर्ग किलोमीटर पर चला बुलडोजर। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। 25 लोगों की मौत। कई इलाकों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के मालवण तट के पास पर्यटकों से भरी नाव पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। नाव पर सवार थे करीब 20 पर्यटक। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। वर्धा में बारिश से इलेक्ट्रिसिटी सेवा हुई प्रभावित। नागपुर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। जितेंद्र गोगी दीपक बॉक्सर गैंग का शार्प शूटर संदीप गिरफ्तार। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अवैध दुकानों पर चला रेलवे का बुलडोजर। विरोध में लोगों ने किया हंगामा। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 1,75,00,000 की शराब की जब्त। बरामद शराब पर चलाया बुलडोजर। पुणे से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने जुनैद मोहम्मद नाम के शख्स को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में गजबते अल हिंद और विदेशों में लश्कर के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। 3 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया। मुंबई के पूर्वी उपनगर मुलुंड में 5 साल की बच्ची के से स्कूल के चपरासी ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान सरकार ने लगाई इमरान खान की मेगा रैली पर रोक। पूर्व पीएम का ऐलान, प्रतिबंध के बावजूद जाऊंगा। इस्लामाबाद में होनी है रैली। नेशनल असेंबली को भंग करने और देश में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए इमरान ने बुलाई है रैली। इस्लामाबाद में सुरक्षा और सख्त, सैकड़ों इमरान समर्थक गिरफ्तार। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी से करीब 3,000 मीटर की दूरी से रिकॉर्ड किया गया वीडियो। 3,300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ज्वालामुखी। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी। 20-24% तक बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल की कीमतों में करीब 38% की बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन जंग का 91वां दिन। राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप, 77 साल में सबसे भयानक जंग। दुश्मन ने छेड़ दिया है पूर्ण युद्ध, कर रहा है हत्याएं। डोनेस्क में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। हमले से भारी नुकसान। शहर में हर ओर दिखा तबाही का मंजर। बेलगोरोड में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन का आरोप, रूसी सेना कर रही है रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले। जंग शुरू होने के 3 महीने बाद खार्किव में बहाल हुई मेट्रो सेवा। रूसी हमलों के डर से अभी मेट्रो स्टेशनों में रह रहे हैं लोग। मेट्रो शुरू होने के बाद दिखी लोगों की भीड़।